क्षमता है कुछ, और आपको पता होना चाहिए कि बैंक हमको बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज भी देता है। जैसे आपको मैं कुछ नाम लिख के दे रहा हूँ, बैंक हमको लॉकर फैसिलिटी देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ एग्जाम्पल देके चलेंगे, आपके घर में ज्वेलरीज है, जेवर है, आपके घर में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर से या कागजात है, आपके मन में अक्सर ये डर होता है कि ये चोरी हो जाएंगे, थेफ्ट हो जाएगा इसका, या ये फायर में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, घर वर में आग लग गई तो ये सब खत्म हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, सारा का सारा अपने ज्वेलरी और पेपर ले जाके बैंक में जमा कर सकते हो। बैंक आपको एक लॉकर प्रोवाइड करता है जिसकी चाबी आपके पास रहती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ज्वेलरी और पेपर सेफ रहते हैं। तो ये बैंक का एक एडिशनल फंक्शन है जो हमें वो देता है। आपको अगर लग रहा है कि घर में आपके ज्वेलरी पेपर सेफ नहीं है, आप बैंक में जाके लॉकर फैसिलिटी ले लो। आपको ये बात समझ आई कि नहीं है? हाँ या ना ये बताओ, क्लियर है कि नहीं? आपको ये बात समझ आई कि नहीं है अच्छे से? दूसरा, और जनरली आपके लिए बैंक क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो ये आपको ट्रैवलर चेक्स इशू करता है। ट्रैवलर चेक इशू करता है। नॉर्मली क्या होता है, आप जब किसी को चेक ड्रॉ करके देते हो तो आपके बैंक से जाके पैसा निकाल सकता है, ठीक है। अब आप सपोज करो, एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, आप कोई फॉरेन कंट्री जा रहे हो, आप कोई फॉरेन कंट्री जा रहे हो, ठीक है, एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। आप किसी दूसरे देश में घूमने जा रहे हो, जैसे मैं बोलता हूँ खुशी जो है वो मालदीव जा रही है, तो आप एक बात बताओ, कैश कैरी करके विदेश जाना अच्छी बात है क्या, सेफ है क्या? हाथ में खूब सारा कैश रख के जाना सेफ है क्या? खुशी अभी जैसे मालदीव जा रही है तो बहुत सारा कैश कैरी करके जाएगी, तो सही है क्या? नहीं है ना। तो ये क्या कर सकती है, अगर इसको कैश नहीं कैरी करना है तो अपने बैंक को जाके बोल दे कि मुझे एक ट्रैवलर चेक बुक बना के दो, उसमें ऊपर लिखा रहता है ट्रैवलर चेक। अब ये जिस होटल में स्टे करेगी, जहां जहां ये अपना घूमेगी या विजिट करेगी, ठीक है, जो भी खाने पीने का खर्चा है सबका एक बार में एक चेक बना देगी, और जब ये चेक वहां के लोग अपने बैंक में लगाएंगे तो पेमेंट हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे देश के जो बैंक होते हैं वो ट्रैवलर चेक बना के देते हैं, ताकि आदमी जब दूसरे देश में जा रहा है तो कैश ना कैरी करे, चेक बुक कैरी करे। अब चेक बुक फाड़ो, साइन करके दे दो, सामने वाला क्या करेगा, अपना पैसा निकाल देगा, ठीक है। आपको दूसरी बैंक की फैसिलिटी समझ आई कि नहीं आई ये बताओ, आपको ये दूसरी फैसिलिटी समझ आई कि नहीं, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, ये क्लियर है कि नहीं? बैंक की तीसरी फैसिलिटी की बात करते हैं जो अपने को देता है, बैंक हमको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके देता है। सबका एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब इसका नोट्स दूंगा, 2 दिन आराम से पढ़ देना। आजकल तो देखो डेबिट कार्ड वार्ड आ गया है। क्या होता था, जैसे रेस्टोरेंट ओनर होते थे, उनको बोल देते थे कि हम इस प्लेस पे स्टे कर रहे हैं, हम एक जगह ही पूरा चेक बना के दे देंगे, आप होटल वाले से ही कलेक्ट कर देना, या जहां हम रुके वहीं से कलेक्ट कर देना, पूरा क्या करते हैं एक साथ बिलिंग करवा देते हैं, बस वहां जाके एड्रेस देना होता है कि हम रहते कहाँ हैं, वहां मतलब फॉरेन में कहाँ स्टे कर रहे हैं, वहीं से लोग पैसा रिकवर कर देते हैं। देखो तीसरा बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी देता है, इसका भी एग्जाम्पल सीखो तो समझ आएगा। अनुष्का है, उसको कोई गुड्स है, कोई सामान है, अनुष्का एक बिजनेसमैन है, इसको गुड्स मंगाना है यूएस से, सामान मंगवाना है, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए, तो ये इंपोर्ट है कि एक्सपोर्ट है ये बताओ। अनुष्का को गुड्स खरीदना है, परचेज करना है यूएस से, तो ये इंपोर्ट है कि एक्सपोर्ट है? सीधी सी बात है यार, ये एक इंपोर्ट है। अनुष्का इंडियन सिटीजन है, जब वो यूएस से कुछ खरीदेगी तो इसको हम इंपोर्ट बोलेंगे, है ना। अब यूएस का जो ट्रेडर या बिजनेसमैन है, अनुष्का को तो पर्सनली जानता नहीं है, अनुष्का को पर्सनली तो जो यूएस का ट्रेडर है वो जानता नहीं है कि अनुष्का पेमेंट करेगी भी कि नहीं करेगी, क्या भरोसा। तो कभी भी याद रखना, इंपोर्ट करने से पहले अनुष्का को ये बोला जाता है कि आप जाइए और अपने बैंक से एक लेटर बनवा के आइए, जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें बैंक इस बात को सर्टिफाई करता है कि अनुष्का का बैंक अकाउंट है, अनुष्का एक जेन्युइन पर्सन है, वो फ्रॉड नहीं है,
और जो यूएस में पर्सन बैठा है उसको पेमेंट पक्का होगी, और नहीं होगी तो आपके पास ये लेटर है, आप हमसे आके पेमेंट दे देना। तो अगर बैंक ने कल को पेमेंट कर दी तो अनुष्का से वो तो कैसे भी रिकवर कर ही देगा। तो हमेशा याद रखो कि जब भी आप इंपोर्ट करोगे तो आपका जिस बैंक में अकाउंट होता है वहां से आपको एक लेटर बनाना होता है जिसको क्रेडिट लेटर बोलते हैं, जिसमें बेसिकली इस बात का सर्टिफिकेशन होता है कि आपका उस बैंक में अकाउंट है, आप एक जेन्युइन पर्सन हो, मतलब फ्रॉड नहीं हो, और पक्का है कि सामने यूएस में जो पर्सन बैठा है उसको पेमेंट बैंक के थ्रू हो जाएगी। तो हमेशा याद रखो बैंक का ये भी वर्क होता है कि जब भी आप इंपोर्ट करोगे आपको लेटर ऑफ क्रेडिट वो बना के देता है, इसके बिना आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप बताओ, आपको बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो, आपको तीनों जनरल फंक्शन समझ आए कि नहीं? बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी दे रहा है, आपको चेक बना के दे रहा है ट्रेवलर चेक, आपको लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा है, आपको एकदम अच्छे समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? आ गया। एक और फंक्शन लिखता हूं और फिर ये सारे फंक्शंस का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। बैंक जो है आपको अंडरराइटिंग करके देते हैं शेयर्स की। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये क्या होता है, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप अगर एक कंपनी चला रहे तो कंपनियों को पैसा मिलता है शेयर्स से, ये शेयर बेचे जाते हैं पब्लिक को। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं? कंपनियों को पैसा मिलता है शेयर से और ये शेयर बेचे जाते हैं पब्लिक को, ये बात समझ आई कि नहीं? कल टेस्ट है ना सेकंड चैप्टर का देना 40 नंबर का, शेयर बेचे जाते हैं पब्लिक को, पहले बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? कंपनी को पैसे आते हैं शेयर से और शेयर बेचे जाते हैं पब्लिक को, इस बात पे कोई तकलीफ है क्या? बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, 40 मार्क में कल थ्योरी भी रहेगा, वो स्कूल की तरफ से हो रहा है टेस्ट तो रहेगा। तो क्या होता है, आपको अगर ये शेयर सेल करना है ना तो इस पे एक शर्त होती है, कंडीशन होती है कि पब्लिक को शेयर तुम तभी बेच पाओगे जब तुम्हारे 90% ऑफ जो शेयर आप ऑफर कर रहे हो पब्लिक उसको खरीदने को तैयार है। 90% ऑफ शेयर जो आप ऑफर कर रहे हो वो जो पब्लिक है परचेज करने को तैयार है, तभी आप पब्लिक को शेयर बेच पाओगे, वरना शेयर नहीं बेच पाओगे। जैसे एग्जांपल, अभी मैं पब्लिक को 1,00,000 शेयर बेचना चाहता हूँ, तो ये 1,00,000 शेयर पब्लिक को तभी दिए जा पाएंगे जब 90% ऑफ शेयर मतलब 90,000 शेयर पब्लिक परचेज करेगी। तो बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं? इसे टर्म दिया जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आप शेयर तभी बेच पाओगे जब 90% ऑफ शेयर आपके पब्लिक खरीदने को तैयार रहे, आपको ये बात क्लियर है? अब क्या होता है, कंपनी जो रहती है ना उसके मन में एक डर होता है, फियर होता है। फियर इस बात का होता है कि अगर पब्लिक 90% शेयर नहीं परचेज करी तो क्या, करी तो क्या? आप इशू समझो इसमें, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई? 90% शेयर बिकेंगे तभी आप पब्लिक को शेयर बेच पाओगे। अगर 90% शेयर की बुकिंग नहीं आएगी, 90% शेयर की बुकिंग नहीं आएगी तो शेयर बेच ही नहीं पाओगे पब्लिक को। अब कंपनी के मन में हमेशा डर होता है कि 90% शेयर की बुकिंग होगी कि नहीं। तो यहां पर बैंक बोलता है मैं हूं, आप मत चिंता करो, ठीक है, मैं आपके शेयर की अंडर राइटिंग कर देता हूं। अंडरराइटिंग करने का मतलब यह होता है कि बैंक आपसे कमीशन चार्ज करेगा, और इस कमीशन के बदले बैंक आपको यह बोलेगा कि वी विल अश्योर दैट 90% ऑफ शेयर्स विल बी परचेज बाय पब्लिक, साम दाम दंड भेद जैसे भी है हम ये पब्लिक को शेयर बिकवा के देंगे, एंड इफ नॉट We will purchase. और अगर 90% शेयर पब्लिक को नहीं बिके तो हम खरीद देंगे। तो अब क्या होगा, जैसे कंपनी ने अंडर राइटिंग करा लिया है तो कंपनी शेयर बेचने गई, जैसे 1,00,000 शेयर, पब्लिक ने खरीदे 70,000 शेयर, अभी भी कितने हजार शेयर का शॉर्टफॉल हो रहा है, कितने शेयर और अभी पब्लिक द्वारा खरीदे जाने चाहिए बताओ? पब्लिक को भी और कितने शेयर खरीदने चाहिए फटाफट बोलो?
1 लाख शेयर में ऑफर किया, पब्लिक ने भी 70,000 खरीदे, पब्लिक को और कितना खरीदना था? साहिल ने एकदम सही जवाब दिया, बाकी लोग बोलो। 20,000 शेयर और खरीदना था, अब पब्लिक नहीं खरीद रही है ना, तो अब अंडर राइटर खरीद के देगा, बोलता है कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक नहीं खरीदेगी हम खरीद लेंगे, तो अब 90% शेयर परचेज हो गए। तो बैंक आपको अंडर राइटिंग का वर्क करके देता है, बैंक का कहना यह है कि आपके 90% शेयर वो सेल करवा देगा, और अगर 90% शेयर नहीं सेल करा पाया तो जितना बचेगा वो खुद खरीदेगा। मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ये बताओ ईमानदारी से, आपको 4 फंक्शन बैंक के समझ आए कि नहीं? बैंक आपको जनरल फंक्शन में लॉकर फैसिलिटी देता है, फॉरेन में घूमने के लिए ट्रैवलर चेक बना के देता है, ठीक है, आप इंपोर्ट करना चाहोगे तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट बना के देगा, और आपके अगर 90% शेयर नहीं बिके तो खरीद के भी देगा। 90% शेयर पब्लिक जब तक नहीं खरीदती है शेयर नहीं बिकते हैं, तो आप अंडर राइटिंग करवा लो बैंक से, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आपके 90% शेयर बैंक बिकवाएगा और जितना कम रह जाएगा वो बैंक खुद खरीद लेगा। ये यार कंसेप्ट है पूरा अंडर राइटिंग, ठीक। तो अब आपको मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूं, मैंने आपको चैप्टर में क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने आपको कमर्शियल बैंक क्या है पढ़ा दिया, मैंने आपको बैंक के फंक्शंस पढ़ा डाले हैं, मैंने आपको प्राइमरी फंक्शन पढ़ाए, मैंने आपको सेकेंडरी फंक्शन पढ़ाए, मैंने आपको एजेंसी फंक्शन पढ़ाए, और मैंने आपको जनरल फंक्शन पढ़ाए। बैंक के 4 तरह के फंक्शन मैंने आपको पढ़ा दिए। मैंने आपको क्रेडिट क्रिएशन पढ़ाया, जिसको मनी क्रिएशन भी कहते हैं, ठीक। इसमें मैंने आपको अजम्पशंस पढ़ाए कि सारे बैंकिंग यूनिट्स एक है, पेमेंट कहीं बाहर नहीं जा रही है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगी। मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया कि क्रेडिट क्रिएशन का टेबल कैसे बनता है। फिर मैंने आपको क्या किया, मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट सिखाया, जिसमें मैंने आपको मनी मल्टीप्लायर की मीनिंग बताई और मनी मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स बताए। अब आप बताओ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई कि नहीं है, आप ये बताओ। ये सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई आपको पूरी समझ आई कि नहीं है? कोई ऐसी चीज जिसमें आपको अभी भी लगता है कि सर हमको तकलीफ है या हमको दिक्कत है या कोई चीज जो हमको नहीं समझ आती है, तो आप मुझे बताओ। आ गई अनुष्का बेटा, कल वाला ना बैकअप वीडियो एक बार आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको शायद 3 बार आपको बता दिया है मनी कैसे घूमता, आप एक बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आया फिर भी तो बताना, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे हमने इतनी चीज कंप्लीट कर दी, तो मेनली क्या है यहाँ पे, जो बैंकिंग का कंसेप्ट है उसमें कमर्शियल बैंक का हिस्सा खत्म हो गया। सर हर बैंक के पास ये पावर है, हाँ हाँ बिल्कुल भेजता हूं, हर बैंक के पास ये पावर है कि वो अंडर राइटिंग कर सकती है। हमने पूरा कमर्शियल बैंक का कंसेप्ट बेटा पढ़ डाला, खत्म हो गया हमारा कमर्शियल बैंक का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास से आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्लास हमारी जो मंडे को होगी, अगली क्लास जो हमारी मंडे को होगी, इसका मैं भेज दूंगा, अभी वो भेज दूंगा, बैकअप देख लेना आज, ठीक है। मंडे का जो अगली क्लास होगी उसमें हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम आरबीआई कंप्लीट कर देंगे, इसको कंप्लीट करने में हमें थर्सडे तक का टाइम लगेगा। आरबीआई हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा पता है इससे, आपके जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 5 यूनिट है। सबसे पहला नेशनल इनकम, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहला नेशनल इनकम है, ठीक है। दूसरा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है। तीसरा मनी एंड बैंकिंग है। चौथा बजट है और पांचवा फॉरेन एक्सचेंज है।
तो आपका क्या होगा, जैसे एग्जाम में थियोरी क्वेश्चन भी आने वाले हैं, वैल्यू बेस भी आने वाले हैं, 1 मार्क का भी, 40 मार्क्स का कल पेपर होगा, तो थर्सडे को ना आपका पूरा एक यूनिट खत्म हो जाएगा। ये पूरा यूनिट आपका थर्सडे को खत्म हो जा रहा है। आपको मैंने पूरा मनी पढ़ा दिया है, मनी का आपको मैंने नोट्स भी भेज दिया है, ठीक है। बैंकिंग 2 पार्ट में है, एक कमर्शियल बैंक है जो हमारा आज खत्म हो गया, अगला हिस्सा आरबीआई है जो थर्सडे तक खत्म हो जाएगा, तो इसका भी नोट्स भेजूंगा, तो ये यूनिट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मनी एंड बैंकिंग। मई के महीने में हम 3 यूनिट खत्म कर देंगे, मनी बैंकिंग खत्म कर डालेंगे हम लोग इस मई के महीने में, बजट खत्म कर देंगे हम लोग, और फॉरेन एक्सचेंज खत्म कर देंगे। ये 3 यूनिट हम लोग मई के महीने में खत्म करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी बैंकिंग नहीं करेंगे, ये क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, मनी बैंकिंग तो पढ़ रहे हैं, मनी कंप्लीट हो गया, इसका नोट्स भी आपको पूरा मैंने दे दिया, बैंकिंग में कमर्शियल बैंक पढ़ दियो, आरबीआई ये पढ़ोगे मंडे से, थर्सडे को खत्म हो जाएगा, तो ये पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। अगला यूनिट फिर पकड़ेंगे बजट, फिर फॉरेन एक्सचेंज। अपना टारगेट है 31 मई तक, 31 मई तक अपन क्या करेंगे, 3 यूनिट खत्म कर चुके होंगे, ठीक है, हम लोग खत्म कर चुके होंगे, ये खत्म होगा, उसके बाद फिर आगे की चीजें करेंगे, पहले इस पे फोकस करते हैं अपन, एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, हर चीज करेंगे इसकी, इतना आज के लिए करना है। कल टेस्ट दे दो, कल का टेस्ट आपका सेकंड चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का, नोट्स तो आपको मैं दे ही चुका हूँ। 40 मार्क्स का टेस्ट होगा जिसमें 15 क्वेश्चन 1 मार्क के आएंगे, ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होंगे, ठीक, और फिर 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, चैप्टर 1 ना जो पढ़े थे ना हम लोग सर्कुलर फ्लो, वो इसमें आता है, नेशनल इनकम का एक छोटा सा पार्ट है, 2 हिस्सों में बटा, एक सर्कुलर फ्लो जो पढ़ा डाला हूँ, अब उसके बाद बस इसमें नेशनल इनकम कराऊंगा मैं आपको, तो नेशनल इनकम का यूनिट भी मैंने शुरू कराया था, तो ये करा डाला आपको सर्कुलर फ्लो, नेशनल इनकम आराम से करेंगे, ठीक है, सर्कुलर फ्लो चैप्टर ही अलग था, तो वो भी हो गया है, और मनी बैंकिंग यूनिट हो गया। कल समझ लो 15 क्वेश्चन 1 मार्क के दूंगा, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के दूंगा, और 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के दूंगा, 40 नंबर का पेपर दूंगा, ये कल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये कर लो। अटेंडेंस ले लेने दो मेरे को एक बार, अपनी एक बार अटेंडेंस दे दो, फोन कहाँ है यार, एक मिनट रुकना ना, छोड़ना मत ग्रुप को भाई। एकदम अच्छे से कर देना, एक भी चीज में डाउट नहीं होना चाहिए बेटा आपको, और कहीं अटकोगे तो मैं तो हूं ही, मुझसे पूछ लेना, एकदम अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, अब लीव कर सकते हो आप लोग, ये आप करो, आज काफी है आपके लिए। वो नहीं पता, एक बार ईशान सर से पूछ लेना यार कैसे कराएंगे वो टेस्ट, टेस्ट तो वही कोऑर्डिनेट करते हैं, पूछ लेना एक बार।